देखिएगा बेटा, अगला प्रश्न है आपका, ये रहा सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहा हूं बेटा, ये एग्जाम में आएंगे आपके। अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम, सॉरी टर्मिनल, ये जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है ना, उसमें आएंगे तो आपको ये सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं वही करा रहा हूं आपको, देखिएगा ये अगला सवाल है आपका, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि, रूढ़ दो एक अपरिमेय संख्या है, रूढ़ दो एक अपरिमेय संख्या है ना। अभी हमने रूढ़ तीन को सिद्ध किया था, अब हम रूढ़ दो को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो देखो बेटा कैसे सिद्ध करते हैं, देखिएगा, माना कि रूढ़ दो एक परिमेय संख्या है। स्टेप देखना बेटा, एक एक स्टेप में आपको याद करा दूंगा। रूढ़ दो एक परिमेय संख्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रूढ़ दो को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसमें हम एक संकल्पना लेके चल रहे हैं, एक अवधारणा लेके चल रहे हैं कि रूढ़ दो एक परिमेय संख्या है, और जब इसको हम हल करेंगे तो अंत में हम ये पाएंगे कि भैया रूढ़ दो एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात हमने जो संकल्पना मानी थी वह गलत है, ठीक है ना। तो अब रूढ़ दो को हमने क्या माना, रूढ़ दो को हमने क्या माना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी कि a बटे b के रूप में होना चाहिए। इसकी सकल कैसी होना चाहिए, a बटे b के रूप की होना चाहिए, नीचे एक है ना, तो इसकी सकल इसके जैसी होना चाहिए, ठीक है भैया। ये a अंश हो जाता है, b हर होता है, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग, नीचे तो एक रहता ही है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने या लेने पर है ना, तो रूट दो का वर्ग करेंगे भैया, इधर ए का वर्ग करेंगे और बी का अलग अलग कर लेंगे, तो रूट दो का वर्ग बाहर का दो होता है, ए का वर्ग बटे बी का वर्ग, ठीक है ना। अब नीचे एक ले लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बी सॉरी ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर, समीकरण एक बन गई। a स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर बराबर हो गया 2b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिएगा यहां लिख देता हूं मैं, चलो इसका मतलब सिर्फ चलो देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर और दो गुणा में है ना, बटे में, तो गुणा वाली चीज बटे में आ गई, बी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए स्क्वायर दो से विभाजित है, ए स्क्वायर दो से विभाजित है। इसका मतलब ये है कि ए दो से विभाजित, ए स्क्वायर में अगर दो का भाग जाता है तो स्वाभाविक है कि a में भी दो का भाग जाएगा, यानी कि a भी दो से विभाजित होगा, जरूर होगा। तो दो a दो से विभाजित है, a स्क्वायर दो से विभाजित है, तो a भी लिख दो यहां, a भी दो से विभाजित है, a भी दो से विभाजित है। अब a भी दो से विभाजित है, ठीक है यहां तक आगे, ठीक है। अब विभाजित है तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर कितना, दो c मान लो, a बराबर क्या मान लो, दो c मान लो। अब a का मान खा रखेंगे, a का मान है ना, यह लिख दो, माना कि भैया a बराबर दो c है ना। अब a का मान समीकरण एक में रखने पर है ना, तो लिखो a का मान
समीकरण एक में रखने पर, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, चलो ये इसमें रखेंगे बेटा, एक की जगह क्या आ जाएगा, दो सी, ये दो सी घात कितनी है इसकी, ए का वर्ग है ना, तो ये दो सी का वर्ग हो जाएगा और ये दो बी का वर्ग, चलो हटाओ। अब दो सी का वर्ग मतलब कितना, चार सी स्क्वायर बराबर दो बी स्क्वायर, है ना। अब क्या होगा, ये दो गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो ये दो बटे में आ गया बराबर कितना, बी स्क्वायर, दो से काट दो कितनी बार, दो बार, तो दो सी स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर, दो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, है ना। तो अब ये दो गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर कितना, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे दो। इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर दो से विभाजित है, बी स्क्वायर में दो का भाग जाता है और भागफल ये आता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे यार, चलो लिखो, है ना, इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर दो से, बी स्क्वायर दो से विभाजित है, बी स्क्वायर दो से विभाजित है, बी स्क्वायर दो से विभाजित है, एम्प्लाइज दैट बी भी दो से विभाजित है, बी भी दो से विभाजित है ना, अब बी भी दो से विभाजित है, ठीक है, यानी कि एम्प्लाइज दैट ए, इसका मतलब ये है कि दो, ए और बी का जो दो है वो ए और बी का क्या है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है, दो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ऐसा लिखो, इसलिए a बटे b परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए a बटे b कैसी है, अपरिमेय। तो a बटे b बराबर क्या था, रूट दो, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, ओके। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल, और ये परीक्षा में आएगा, प्योर आएगा, प्योर चलेगा, अथवा में आएगा, या तो एलसीएम करो या ये करो, मगर सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी सीखोगे और कभी टीचर बन गए तुम, तो फिर तुम्हारे स्टूडेंट को सिखाना पड़ेगा, फिर तुम बोलोगे और मेरे को नहीं आता, इसलिए स्टूडेंट लाइफ में सीख लो, कभी भी कोई भी चीज़ कभी भी कहीं पे भी काम आ जाती है ना, पढ़ा हुआ काम आता है, पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा, सिद्ध करो पांच माइनस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, उल्टा लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे कि भैया ये एक परिमेय संख्या लेके चलते हैं, माना देखो बेटा, माना कि फाइव माइनस रूट तीन एक देखो, इसको थोड़ा सा हम
ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे। लिखो, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि रूढ़ तीन, एक रूढ़ तीन कैसी संख्या है, अपरिमेय। चूंकि हम जानते हैं कि रूढ़ तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए 5 माइनस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो ये बहुत सरल था, ये कॉमन सेंस पे आधारित था, क्योंकि आप एक ये क्या है, ये पूर्णांक है ना, और ये अपरिमेय संख्या है, तो भैया पूर्णांक में से घटाएंगे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है ना। ये लिख लो, ये दो नंबर का या दो नंबर का सवाल है, दो नंबर का ही आएगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट इतना सा लिखना है कि भैया रूढ़ तीन एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए अपरिमेय संख्या में जो भी संख्या जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, या गुणा की जाती है, या भाग दिया जाता है, तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो संपूर्ण हल कितना हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, तो आपको ये बात समझ में आ गई, और सरल थे कि कठिन, सरल थे ना बेटा। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको सरल सरल लग रहे हैं, है ना।